पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र को हाथ बदले का हालात नाम दिया गया है। इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सभी फसलों की बीमा का प्रावधान और सेब के लिए 72 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी भी शामिल है। हाथ कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चलिए आपको विस्तार से बताएंगे कि घोषणा पत्र में आम आदमी के लिए किस प्रकार की व्यवस्था सरकार मुहैया कराएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में यह घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पवन खेड़ा ने कहा, हम भूमिहीनों, जोतदार और भू स्वामी कृषक परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसानों के लिए 100% सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2500 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है। घोषणा पत्र में पार्टी ने जम्मू कश्मीर के योग्य युवाओं को 1 साल के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने 30 दिनों के भीतर भर्ती कैलेंडर जारी कर 1 लाख रिक्त सरकारी पदों को भरने का भी वादा किया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं क्या क्या उस घोषणा पत्र में लिखा गया है। पहला, पार्टी सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर ही जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेगी। प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध सभी फसलों के लिए बीमा तथा सेब के लिए 72 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP दिया जाएगा। तीसरा, भूमिहीन पट्टेदार तथा भू स्वामी कृषक परिवारों को प्रति वर्ष 4000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है, राज्य की भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों को 99 वर्षीय पट्टे की व्यवस्था कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर में किसानों के लिए 100% सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2500 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को 1 वर्ष के लिए 3500 रुपए प्रति माह तक बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया गया है। अगला, 30 दिनों के भीतर नौकरी कैलेंडर जारी करके 1 लाख खाली सरकारी पदों को भी भरा जाएगा। बता दें कि 90 सदस्य जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए मतदान 3 चरणों में है, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। सीट बंटवारा समझौते के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब सरकार किसकी बनती है ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए देखते रहिए जर्नी टाइम्स।